الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم کہ اگر کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر لے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو اور اس کے احسانات کو لکھنا شروع کر دے انسان عاجز آ جائے اور درود و سلام ہو کائنات کی سب سے بہترین ہستی پر جن کی بدولت گمراہ انسان نجوم ہدایت بن گئے۔ محترم سامعین اکرام، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی تخلیق کی تبھی سے حق و باطل کا آپس میں ٹکراؤ رہا ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق ہمیشہ کمزور رہا لیکن آخر میں غالب ہو ہی جاتا ہے، اور حق کو مٹانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے قوانین بنے اور بننے کے بعد بگڑ گئے۔ کوئی قانون ٹک نہ سکا، لیکن اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک قانون ایسا بھی ہے جس نے کبھی تغیر، تبدیلی اور چینجنگ کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ قانون خود ایک قانون انقلاب ہے۔ اس نے بہت سوں کو بدل ڈالا لیکن یہ کبھی نہیں بدلا۔ اسی امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے کہ کبھی یہ امت شان و شوکت، رعب و دبدبا، عزت و وقار کے عوج ثریا پر مکین تھی، عزت کی بلند اونچی پہاڑیوں پر تھی۔ آج اس امت کی کیا حالت ہے اس سے عقل مند لوگ بے خبر نہیں ہیں، سارے جانتے ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس امت کو کبھی، جن کے سروں پر حاکمیت کا تاج رکھا گیا تھا، جن کے سروں پر کبھی بادشاہت کا تاج رکھا گیا تھا، جن کے سروں پر کبھی حکومت کا تاج رکھا گیا تھا، اور جس کی گواہی خود عرب و عجم، ہند و سندھ دیتے ہیں، لیکن آج اس امت کی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی
जो तखलीक की थी, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीन, के हमने इंसान को एक बेहतरीन ढांचे में ढाला है, आज ये देखा जा सकता है, थुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन, कि वो उम्मत असफल साफिलीन में जा पहुंचिए, नीचों में भी सबसे नीचे जा पहुंचिए। आखिर इस बीमारी की वजह क्या है, इस बीमारी की दवा क्या है, इस जिल्लत और पस्ती से निकलने का तरीका क्या है। हर खिलाफ हर तरफ बेशुमार तहरीकें चलाई जा रही है, हर तरफ मारो और काटो की आवाजें सुनाई दे रही है। अल्लाहु अकबर, दिल कांप जाता है कि आज इस उम्मत को क्या हो गया। ये उम्मत कभी बादशाहत की मालिक थी, हाकिमियत की मालिक थी, रौब और दबदबे की मालिक थी, जिनके सरों पर कभी बादशाहत का ताज रखा गया, आज इस उम्मत की क्या हालत हो गई। आखिर इस बीमारी की कौन सी दवा है, वो कौन सा तरीका है कि ये उम्मत फिर से अपनी हुकूमत को पहुंच जाए, अपनी बादशाहत, अपनी इज्जत, अपना रोबो दबदबा हासिल कर ले। इस दवा, इस बीमारी की दवा को बतलाने के लिए दो तरह के डॉक्टर हैं। एक वो जिनका ताल्लुक दुनिया से है, दुनियावी डॉक्टर, जिनको हम मादी अतिब्बा कहते हैं, और एक वो जिनका ताल्लुक रूहानी से है, रूह से है, जिनको हम रूहानी डॉक्टर कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इन दुनियावी डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि इस उम्मत की पस्ती और जिल्लत का सबब बतलाइए और कोई दवा तशखीस करिए, कोई दवा बतलाइए कि जिसकी वजह से ये उम्मत जिल्लत और पस्ती की दलदल में से निकलकर अजमत सुरैया पर पहुंच जाए। तो ये जो हमारे मादी अतिब्बा हैं, मादी डॉक्टर हैं, ये बताते हैं कि उम्मत चार वजूहात की बिना पर जिल्लत और पस्ती में डूबी हुई। पहला सबब ये बताते हैं कि उम्मत इस वजह से जिल्लत और पस्ती में डूबी हुई है कि मुफलिस है, गरीब है। अगर अब इसको इज्जत का मकाम हासिल करना है, मकाम रिफात को पहुंचना है, तो अब इसको दौलत कमानी पड़ेगी, दौलत और सरवत के अंबार जमा करना होगा। अब इस दौलत कमाने की रेस में ना कोई हलाल की तमीज हो, ना कोई हराम की तमीज हो, बल्कि बस दौलत कमानी चाहिए। अब जब पूरी कौम मिन हैसुल कौम, कौम होने के एतबार से जब दौलतमंद बन जाएगी, दौलत और सरवत के अंबार जमा कर चुकी होगी, तो अब ये कौम जिल्लत और पस्ती से निकल कर आजमत की बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। ये कहना हमारे मादी अतिबा यानी दुनियावी डॉक्टर का है। और दूसरा सबब ये बताते हैं कि ये उम्मत महकूम है, मजलूम है, मगलूब है, तो लिहाजा अगर इस उम्मत को बुलंदी हासिल करनी है तो महकूमी की जंजीरों को तोड़ना होगा। ये उम्मत महकूम है तो बादशाहत का ताज अपने सर पे रख ले, गुलाम है तो आका बनना चाहिए, मजलूम है तो जुल्म के खिलाफ आवाजें उठानी चाहिए, तब ये उम्मत जिल्लत से निकलेगी और अजमत की बुलंदी पर पहुंच जाएगी। दो सबब बता दिए। तीसरा सबब ये बताते हैं कि ये उम्मत इस वजह से जिल्लत और पस्ती में है कि जाहिल है, बेइल्म है, इनके पास इल्म नहीं है। तो लिहाजा अगर ये उम्मत चाहती है कि इसको बुलंदी नसीब हो, इज्जत का मकाम हासिल हो, तो अपने शहरों में, अपने मुल्कों में बड़े बड़े इदारों को कायम करें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाएं, इल्म हासिल करें। अब जब पूरी कौम, अब जब पूरी कौम मिन हैसुल कौम, कौम होने के एतबार से इल्म हासिल कर लेगी और
इनके अंदर से जिहालत दूर हो जाएगी। अब ये कौम जिल्लत से निकल कर रिफात के मकाम तक पहुंच जाएगी। और चौथा सबब ये बताते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा इस वजह से जिल्लत वस्ती में है कि ये उम्मत मुस्लिमा इख्तिलाफ, इंतशार, निफाक, शिकाक और बिखराव का शिकार है। तो लिहाजा अगर ये उम्मत मुस्लिमा अजमत की बुलंदी चाहती है तो इस उम्मत को इत्तेहाद की लड़ी में पिरो देना चाहिए। हाजिरीन से मुअद्दबाना मैं एक गुजारिश करता हूं कि बहुत सारे खतीब आए और खुतबा दिए चले गए, लेकिन आज तक ये कौम की हालत वही है। इसलिए कि मैं एक मिसाल देता हूं हमेशा कि अगर आप को एक बर्तन भरना है पानी से, अब आप उसको नल के नीचे रखेंगे तो उल्टा करके रखेंगे तो कयामत की सुबह तक वो नहीं भरेगा। अब उसको अगर भरना है तो सबसे पहले उसको सीधा करना होगा, चंद सेकंड में भर जाएगा। तो हमारे दिल जो है पलट गए, खुदा की कसम पलट गए। कोई आयत, कोई हदीस हमारे दिलों पे असरअंदाज नहीं होती। उसकी वजह यही है कि हम बैठते हैं तो अपने दिलों को पलटा के बैठते हैं। जरा दिलों को सीधा करें, नरम करें, इसलिए कि सरसब्ज और शादा भी उसी जमीन में आती है जो जमीन नरम हो, पानी को कबूल करने की सलाहियत हो। जो जमीनें बंजर हो जाती है उन पर कभी सब्जा नहीं उगा करता। अपने दिलों को उस सरसब्ज और शादाब खेती की तरह बनाओ। तो मैं कह रहा था चौथा सबब यह बताते हैं कि उम्मत इख्तिलाफ और इंतशार की वजह से जिल्लत और बस्ती में पड़ी हुई, लिहाजा अगर इसको मकाम आजमत चाहिए तो आपस में अपने आप को इत्तेहाद की लड़ी में पिरो लेना चाहिए। अब जब ये कौम मुत्तहिद हो जाएगी, मुत्तफिक हो जाएगी, तो अजमत की बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। ये कहना हमारे मादी अतिब्बा का है, दुनियावी डॉक्टर्स का। अब इनकी निगाहें जाहिरी अजबाब तक पहुंची और पहुंचकर रुक गई, लेकिन इल्लतुल इलल तक ना पहुंच सकी। यानी सबबों का जो सबब है, रीजन ऑफ द रीजन, रीजन का जो रीजन है उस तक नहीं पहुंच सकी। जाहिरी अजबाब तक तो इनकी निगाहें गई और जाकर रुक गई। मसलन ये उम्मत इफलास का शिकार हो गई है, इस वजह से जिल्लत में पड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि ये इफलास आया कहां से, ये मुफलिसी, ये गुरबत, ये गरीबी आई कहां से। अगर मसलन अगर ये उम्मत महकूमी की वजह से, मगलूबी की वजह से जिल्लत और रुसवाई के दलदल में पड़ी हुई है तो सवाल है कि ये महकूमी, ये मजलूमी, ये मगलूबी आई कहां से। अगर ये उम्मत जाहिल है, इसके पास इल्म नहीं है, तो ये जिहालत आई कहां से। अगर ये उम्मत के अंदर इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, तो सवाल ये है कि इख्तिलाफ, ये इंतशार आया कहां से। तो इनकी निगाहें जाहिरी अस्बाब तक पहुंच गई, पहुंचकर रुक गई। अब आइए अब दूसरे डॉक्टरों की तरफ हम रुख करते हैं। और ये रूहानी अतिब्बा हम जिसको कहते हैं, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला है। खुदा की कसम हर नबी एक रूहानी डॉक्टर था, अपनी कौम के लिए एक रूहानी डॉक्टर था, उनके दिलों का तज़किया करता और उनको अजमत की बुलंदियों पर पहुंचाता। बिल्कुल इसी तरह मेरे और आपके नबी आखिरी रूहानी डॉक्टर, सबसे आखिरी रूहानी तबीब, जिसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, जिसके बाद कोई रूहानी तबीब आने वाला नहीं है, इनकी जनाबत में पहुंचकर हम अर्ज करते हैं कि आप ही कोई ऐसी दवा तजवीज करे कि ये उम्मत पस्ती से निकलकर, जिल्लत से निकलकर अजमत की बुलंदियों पर पहुंच जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस मेरी हयात देख लो। क्या है जुमला?
मेरी हयात देख लो, मेरी जिंदगी देख लो, काफी है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कौम की तरफ भेजा गया था उस कौम के अंदर ये चारों बीमारियां मौजूद थी। जाहिल थे वो, हत्ता के मक्के में पढ़े लिखे लोग इतने थे कि उनको उंगलियों पर गिना जा सकता था। और इफलास का तो ये आलम कि और कोई कौम में ऐसी इफलासी नहीं पाई जाती। और महकूमी का तो यह आलम था कि उन्होंने बरसों तक आज़ादी नहीं देखी थी। कभी शाह ईरान आता लूट कर चले जाता, कभी शाह रोम आता लूट कर चले जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह नहीं कहा तुम जाहिल हो तो लिहाजा मक्के में जजीरतुल अरब में बड़े बड़े इदारे खोल लो, बड़े बड़े मदरसों का ईजाद कर लो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां खोल लो। तुम जब जिहालत तुम्हारे अंदर से दूर हो जाएगी, तुम जिल्लत से निकलकर बस्ती पर पहुंच जाएगी। आपने ये नहीं कहा, आपने देखा कि ये उम्मत महकूम है, आपने उनसे ये नहीं कहा कि तुम महकूम हो इस वजह से जिल्लत में डूबे हुए हो, तुम अपने सरों पर आकाई का ताज रख लो, तुम बुलंदी पर पहुंच जाओगे। आपने ये नहीं कहा, आपने ये भी नहीं कहा कि तुम इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार हो, अपने आप को इत्तेहाद की लड़ी में पिरो लो तो तुम अजमत की बुलंदियों पर पहुंच जाओगे। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सा कहा कि देखो तुम मरीज हो, तुम मरीज हो और मैं सेहतमंद हूं, तुम मरीज हो और मैं सेहतमंद हूं। अगर तुम्हें तुम्हारे मर्ज से नजात चाहिए तो तुम्हें मेरी तरह तंदुरुस्त और सेहतमंद बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी से नजात चाहिए तो तुम्हें मेरी तरह बनना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे पास तुम्हारे मर्ज का नुस्खा है, तुम्हारी बीमारी का इलाज है मेरे पास, और वो है कुरान करीम। खुदा की कसम कुरान करीम बहुत बेहतरीन दवा है इस उम्मत के लिए, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसलिए कि कुरान करीम का ये ऐलान है इन्ना हादल कुरआना यहदी लिल्लती हिय अक्वम व युबशिरुल मुमिनीन अल्लजीन यअमलून الصالحات अन लहुम अजरन कबीरा, कि कुरान का ये दावा है कि मेरे सफीने में, मेरे करीने में जो आ गया मैं उसको जिल्लत और पस्ती की दलदल से निकाल कर अजमत की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे मर्ज की दवा है, वो है कुरान। अब ये भी नहीं कि कोई बंदा सिर्फ कुरान को पढ़ता रहे, कुरान को मानता रहे और अहादीस को ना माने, गुमराह हो जाएगा। फिर कहा कि ये मेरी अहादीस है, हिदायत इंस्ट्रक्शंस कि तुम्हें दवा कब लेनी है और कैसी लेनी है। इसलिए कि अगर कोई शख्स बीमार है और डॉक्टर के पास जाए दवा लेकर आ जाए लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा ना ले तो खुदा की कसम सुबह कयामत तक वो अपनी बीमारी से नजात नहीं पाएगा। अगर कुरान करीम दवा है तो अल्लाह के नबी की अहादीस उसके लिए इंस्ट्रक्शंस का काम है, हिदायत का काम देती है। बकिया बस कुरान और हदीस, बस बकिया ना कोई इमाम था, ना कोई मुर्शिद था, ना कोई पीर था, ना कोई रहबर था, ना कोई रहनुमा था, ना किसी के नक्शे कदम पर चलना पड़ता था। बस एक ही इमाम था, एक ही मुर्शिद था, एक ही पीर था। जब इन मरीजों ने, जब इन बीमारों ने अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी पर मुंतबिक कर दिया, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें ऐसी सेहत बख्शी, ऐसी सेहत याबी इन्हें अता की कि रहती दुनिया तक इन्हें पैगाम सुना दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। कितना बड़ा पैगाम, कितना बड़ा, अल्लाह अकबर। यही मतलब है इस आयत करीमा का लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है।
इसी ज़िंदगी को सहाबा ने थामा, इसी ज़िंदगी को हमारे असलाफ ने थामा। हर दौर में बातिल का मुकाबला किया, हक को गालिब रखा, हक को कभी हारने नहीं दिया। ये अल्लाह के नबी की यही सीरत का कमाल है। लेकिन अफसोस है, ये उम्मत फसानों में पड़ गई, ये उम्मत नावलों में पड़ गई, ये उम्मत ड्रामे में पड़ गई। आज हमारे नौजवान जिसको आइडियल मानते हैं, उसी का नाम रात दिन रटा बैठे हैं। ये उम्मत अदाकारों को फॉलो करती है, ड्रामे के वो बदतरीन अदाकार जिन्हें खुदा और उसका रसूल क्या है वो तक मालूम नहीं। ये उम्मत के नौजवान इर्तगुल गाजी को फॉलो करते हैं। बताइए क्या फितना है, इसको इबादत की तरह घरों में देखा जा रहा है। चाहे नमाजें छूट जाए, चाहे वालिदैन की नाफरमानी होती रहे, और कुछ कहो तो कहते हैं मौलाना हमें इससे मोटिवेशंस मिलते हैं, हमारी जमीरें जागती है। अरे नौजवानों, मेरा सवाल है तुमसे, क्या अल्लाह के नबी ने तुम्हें कितने अच्छे गाजी अता किए? जरा वो जंग के मैदान पर जरा गौर करो, नजरें दौड़ाओ। सामने अबू जहल का लश्कर है, अबू जहल अपनी फौज की, अपनी सफों की कमांडिंग कर रहा है। अब्दुल रहमान खड़े हुए हैं, उनके आजू बाजू दो बच्चे हैं, और अब्दुल रहमान से कहते हैं कि ए चचा जरा बताइए, जरा बताइए अबू जहल कौन है? छोटे से बच्चे 15 साल के, आज भी हमारी उम्र 15-20 साल की है, लेकिन हमारे अंदर अदाकारों की मोहब्बत भरी हुई है। जरा देखो उस जंग के मैदान में, नजरें दौड़ाओ। बच्चे पूछ रहे हैं कि चचा जान जरा बतलाना तो सही, वो अबू जहल कौन है? हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, जरा बतलाना तो सही वो कौन है, हम भी देखेंगे। अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैं ताज्जुब हो गया, इतने से बच्चे, इतना जज्बा, आज भी नबी की शान में गुस्ताखी हो रही, आज भी नबी को बुरा भला कहा जा रहा है। कहां है जज्बा हमारी कौम में? अल्लाहु अकबर, इन नौजवानों के दिलों में तो घरों की मोहब्बत भरी हुई है, कहां से आएगा जज्बा? देखो दो बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, अब्दुल रहमान से पूछ रहे हैं ए चचा जरा बतलाना तो सही, अबू जहल हमने सुना है, मेरी माँ ने यह बतलाया है कि ये मेरे नबी को गाली देता है, आज कहां से आएगा ये जज्बा? हमने उर्तुगुल को अपना आइडियल माना है, सुबह शाम उसके सीजंस देखे करते हैं। आप पूछ लो, सारी सीरत बयान कर देंगे। अभी पूछो ये दो बच्चे कौन थे, उनके नाम क्या थे, इस कौम को याद नहीं। मुआज़ और मुआवज़ थे, अफरा तेरी कब्र पर अल्लाह की रहमतों की करोड़ों बरसात हो, तुमने कैसे दिलेर बच्चों को पैदा किया था, आज भी हमारी कौम है। यही मतलब है इस आयत का, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। बकिया कुछ ना था, कोई इमाम नहीं था, कोई मुर्शिद नहीं था, कोई पीर नहीं था, बस चलना था तो बस एक नबी के तरीके पर चलना था, एक कुरान पर चलना था, अहादीस को मानकर चलना था। लेकिन अफसोस है, मैंने कहा था कि ये उम्मत फसानों में पड़ गई, और इसी का रोना अल्लामा इकबाल ने रोया है। कहते हैं कितनी प्यारी बात, कहते हैं दिलों के कानों से सुनो मेरे साथियों, दिलों के कानों से, जाहिरी कान से नहीं, दिल के भी कान होने चाहिए। अब जब वो बंद हो जाए तो कुछ काम नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता। सुनो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, कितनी प्यारी बात कहते हैं। बबंदे सूफी व मुल्ला असीरी, हयात अज हिकमते कुरान गिरी, कि तुम सूफियों और मुल्लाओं के प्यारे प्यारे कलाम में फंसे हुए हो। हयात अज हिकमते कुरान गिरी, अपनी जिंदगी को, अपनी हयात को कुरान की हिकमतों से नहीं संवारते।
अपनी जिंदगी को कुरान की हिकमतों से नहीं संवारते, इसलिए कि यही कुरान के जरिए से वो जो कौम है जो जिल्लत में डूबी हुई थी अजमत हासिल कर लिया उन्होंने। फिर आगे कहते हैं बआयत अश्तुरा कारें जुजी नेस्त कि अज्यासी ओ आसाब अमीरी कि कुरान की आयतों से तुम्हें कुछ सरोकार नहीं है इसके अलावा कि उसके यासीन पढ़ देने से आसानी से जान निकल जाती है। आज कुरान को हमने रस्म और रिवाज की किताब बना लिया है, बस कुरान भी कब खोलेंगे, जब सकरात की हालत हो, जब जान हलक में अटक रही हो तब यासीन पढ़ेंगे ताकि जान आसानी से निकल जाए। अरे ये कुरान तो जिंदा इंसानों के लिए उतारा गया था, लियुंजिर मन कान हय्यं वयहक्कल कौलु अलल काफिरीन, ताकि इस कुरान के जरिए से जिंदा लोगों को डराया जाए, यहां मुर्दों पर पढ़ाया जा रहा है। देखिए कितनी बदल गई है कौम, गुमा दी असलाफ से मीरास जो हमने पाई थी, गुमा दी असलाफ से मीरास जो हमने पाई थी, सुरैया से आसमान जमी पे हमको दे मारा। इसी कौम के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हमने कुरान को रस्म और रिवाज की किताब बना लिया और नबी की सीरत को भूल गए, अदाकारों की सीरत हमारे दिलों में जज्ब हो चुकी है। जरा गौर करें, उस दौर में सहाबा के ना कोई इदारा था ना कोई कॉलेज था, बस कुरान और सुन्नत रसूल। छोटी सी मस्जिद है उस दौर की, बहुत दिनों तक तो दरवाजे भी नहीं थे, जब बारिशें हुआ करती थी तो कीचड़ जम जाया करते थे और अल्लाह के नबी के सहाबा उसी में सजदा करते थे। अल्लाहु अकबर, ये मस्जिद नर्सरी ऑफ हीरोज की, खुदा की कसम हर सहाबी अपनी जात के एतबार से एक हीरो है, अपनी जात के एतबार से एक अंजुमन है। अगर किसी को सीएम बना दिया जाए तो सीएम, अगर किसी को गवर्नर बना दिया जाए तो गवर्नर के फैसले करेगा, अगर किसी को चीफ जस्टिस बना दिया जाए तो ईमानदारी के साथ मुकम्मल फैसले करेगा, अगर किसी को सिपाही बना दिया जाए तो तलवार लेके मैदान कारजार में सिपाही। अल्लाहु अकबर, ये कौन सी पढ़ाई होती थी उस मस्जिद में, कौन सी पढ़ाई होती थी। और मेरा ये दावा है, खुदा की कसम, दुनिया के सारे तहजीब याफ्ता लोग एक जगह जमा हो जाए, दुनिया के सारे इदारों के असातिजा एक जगह जमा हो जाए, दुनिया के वो लोग जो अपने आप को तहजीब याफ्ता कहते हैं, तमद्दुन याफ्ता कहते हैं, वो मिल जाए और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे तो मेरे सहाबी के जैसा एक इंसान नहीं बना सकते, एक इंसान नहीं बना सकते। बस क्या लिया था उन्होंने, कुरान और हदीस। उन्होंने दुनिया के सारे कुतुबखानों को धो डाला, सारा इल्म हासिल किया उन्होंने, उन्होंने सिखाया कि दुनिया को तमद्दुन क्या है, उन्होंने ये दुनिया को सिखाया कि तहजीब क्या है। दुनिया ने उनसे कल्चर को सीखा, तहजीब सीखी, बस उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर मुंतबिक कर दिया। क्या इत्तेबा थी सहाबा की, क्या इताअत थी सहाबा की। यही वो इताअत और इत्तेबा है जो सहाबा को आम लोगों से और आम लोगों को सहाबा से मुमताज करती है। आइए एक इत्तेबा की मिसाल हम एक वाकये से देखते हैं कि इताअत का अंदाज क्या होता था। عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقون عالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته
قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذرا أو أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اذ اچانک خلع نعلیہ فوضعہما عن یسارہ کہ اللہ کے نبی نے اپنا ایک نعل نکالا جوتے نکالے اور رکھ دیے بائیں سیڈ میں. یسار مانا بایاں, بائیں سیڈ میں. فوضعہما عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم اب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز میں ہیں اور اپنے جوتے اتار کر بازو رکھ دیے, بائیں جانب رکھ دیے. فلما رأى ذلك القوم فألقوا نعالهم تو تمام صحابہ نے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ دیے. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ نے جوتے پہن کر چپل پہن کر نماز شروع کی تھی. اب حالت یہ ہے کہ سارے کے سارے جوتے اترے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما حملکم علی القاء نعالکم وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جوتے اتارنے پر مجبور کر دی. آپ جواب سنیے کتنا پیارا جملہ تھا, اس طرح دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا ہے جس طرح گرم چھری مکھن میں اتر جاتی. کتنا پیارا جملہ صحابہ کا, کتنا پیارا. یہی وہ چیز, یہی وہ صفت ہے, یہی وہ ادا ہے جو صحابہ کی اور ہماری اتباع میں فرق کرتی ہے. یہی وہ صفت ہے. صحابہ نے کہا قالو رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَنَا عَلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تو بس اتار دیا. یہ نہیں سوچا کہ نماز مکمل ہونے کے بعد معلوم کر لیں گے کہ اللہ کے نبی نے اپنے جوتے کیوں اتارے, بعد میں معلوم کر لیں گے کہ اگر کوئی دلیل ملے. لیکن یہاں پر صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جوتے فوراً اتار دیے, کیوں اچرا نہیں کیا, کیوں اور کیسے سوال نہیں کیا, وٹ اور وائے یہ نہیں پوچھا. اللہ کے نبی کو دیکھا بس اتار دیا. اللہ کے نبی پوچھ رہے ما حملکم علی القاء نعالکم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتلا رہے ہیں کہ تمہیں جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, میرا معاملہ کوئی اور تھا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے. ان جبرائیل اتانی کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے. فاخبرنی اور انہوں نے مجھے خبر دی ان فیہما قذرا کہ ان جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, او اذن یا کوئی تکلیف دہ چیز لگی ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک اصول بتایا فاذا جاء احدکم الى المسجد جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے فلینظر وہ دیکھے فان راى في نعليه قذرا اگر اپنے جوتوں میں گندگی پاتا ہے تو اس کو رگڑ دیں اور نماز پڑھ لیں. اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے, اس حدیث سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے میں نے اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت مسجدیں کھجور کی پتوں کی چھتوں میں ہوتی تھیں, بارشیں ہوا کرتی تو کیچڑ جم جایا کرتا, تو صحابہ اس کیچڑ سے بچنے کے لیے چپل پہن لیا کرتے تھے. اب ضرورت نہیں ہے مساجدوں میں, الحمدللہ. پہلے مسجدیں کچی بھی ہوتی تو نمازی پکے ہوتے تھے, لیکن آج مسجدیں کتنی بھی پکی ہو نمازی کچے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. آج الحمدللہ اتنی صاف و شفاف قالینیں اور ٹیلسیں بچھی ہوئی ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وضو کر کے آئے صاحب اور ٹیلس میں دیکھ کر اپنی کنگھی کر رہے ہیں, اپنی صورت کو سوار رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے صورتوں کے ساتھ ساتھ سیرتوں کو بھی سوارنے کا موقع عطا کرے. بولیے آمین.
تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کر بازو رکھے تو کچھ وقت تو لگا ہوگا نا اس میں, کچھ وقت تو لگا ہوگا, آپ نے دیکھا نہیں کہ کدھر گندگی لگی ہوئی ہے. فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ, اللہ کے نبی نے جوتے اتارے اور رکھ دیے بازو میں بائیں سائڈ میں. تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی مسجد میں آئے, نماز کے درمیان ہے, اب اس کو معلوم نہیں ہے, اب اس کا فون بج رہا ہے, اب یہ بھول گیا فون کو سوئچ آف کرنا, اب اس کی رنگ بج رہی ہے تو اب یہ فون کو اٹھا کر سوئچ آف کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ حدیث سے معلوم ہو رہی ہے بات کہ اللہ کے نبی نے جوتے اتار کر بازو میں رکھ دیے. لیکن یہ نہ دیکھتے بیٹھ جائیں کہ کس کا کال آ رہا ہے. بعض لوگ تو میسج بھی کہتے ہیں آئی ول کال یو لیٹر, ہم بعد میں فون کریں گے آپ کو. قرآن و حدیث سے جتنی اجازت ملی بس اتنا ہی ہمیں لینا ہے, نہ اس سے تجاوز کرنا ہے نہ اس سے گر جانا ہے. بعض لوگوں نے بجتے رہنے دو جب تک بچنا ہے, دوسروں کی نمازوں میں خلل بھی پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسائل اس سے نکلتے ہیں. لیکن میرا استدلال یہ تھا کہ صحابہ کی اتباع میں اور ہماری اتباع میں دیکھیے کتنا فرق ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر کسی حدیث کو پیش کر لیا جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, ہم اپنے امام سے پوچھ کر آئیں گے, ہم اپنے پیر سے پوچھ کر آئیں گے, ہم اپنے مرشد سے پوچھیں گے. صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی اپنی امام کی اقتداء کرے تو خدا کی قسم تیرے امام کے ساتھ تیرا ایمان چلا گیا. بڑی غور کرنے کی بات ہے. لاکھوں کانفرنسیں ہوتی ہے اس امت کو اتحاد اور اتفاق اور متحد بنانے کے لیے, جب تک یہ امت قرآن اور حدیث پر متفق نہ ہو جائے تب تک اس میں اتحاد آ ہی نہیں سکتا. دیکھیے صحابہ کی اتباع کیسی تھی, یہ سوچا نہیں کہ بعد میں پوچھ لیں گے. جملہ دیکھو کتنا پیارا ہے, رائنا کا القیتنا علیک فالقینا نعالنا, کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا نا کہ آپ نے جوتے اتار دیے, بس ہم نے بھی اتار دیے. سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی, یہ صحابہ کی صفت تھی. سننے کے بعد اطاعت نہ کرنا یہ صحابہ کی خمیر میں تھا ہی نہیں, ان کی سرشت میں تھا ہی نہیں. یہی وہ چیز تھی جس نے اس قوم کو ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کر عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ورنہ اس قوم میں اتنی محکومیت اور اتنی بزدلی پائی جاتی تھی. جب ابرہا اپنی ہاتھیوں کی فوج کو لے کر ان کے مقدس گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو یہ قوم نے کہا تھا کہ جس کا گھر ہے وہی حفاظت کرے. لیکن اب معاملہ دیکھیے, اللہ کے نبی کی اتباع کے بعد اور اس کی اطاعت کے بعد دو کم سن سے بچے حضرت عبد الرحمن سے پوچھ رہے ہیں کہ اے چچا ابو جہل بتلاؤ, ابو جہل کون ہے؟ اور تاریخ نے دیکھا کہ وہی ان دو بچوں سے ابو جہل مارا گیا. اور مرتے مرتے ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہائے میری موت, اس قوم کے ہاتھوں ہوئی جسے لڑنا تک نہیں آتا تھا. یہ وہی چیز تھی جس نے اتباع اور اطاعت, بس اس کو لے لیا صحابہ نے اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. دنیا کے سارے کتب خانوں کو انہوں نے دھو ڈالا. اللہ اکبر, کتنا فرق ہے ہماری اتباع میں اور صحابہ کی اتباع میں. ذرا غور کریں کہ وہ کون سے اسباب و عوامل ہے جس کی وجہ سے ذلت میں ڈوبی ہوئی قوم اوج ثریا پر پہنچ گئی. میرے بھائیوں, آج بھی وہی قرآن موجود ہے, آج بھی ہماری کامیابی کا زینہ موجود ہے, آج بھی وہی احادیث, وہی قرآن, وہی نسخہ, وہی انسٹرکشنز, وہی ہدایات اللہ کے نبی کے موجود ہیں, بس ہم نے ان کو رسومات میں تبدیل کر لیے. خاص قرآن تو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی کتاب ہے, ہم نے اس کے اوقات بھی متعین کر دیے کہ ہم اس کو چھلے میں پڑھیں گے, چھٹی میں پڑھیں گے, فلاں فلاں اوقات میں پڑھیں گے.
अल्लामा इकबाल ने यही कहा कि इनकी आयतों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, तुम तो इसलिए पढ़ते हो कि जान आसानी से निकल जाए। हालांकि कुरान और हदीस के जरिए से सहाबा, वो कौम जो जिल्लत और निखत में डूबी हुई थी, उन्होंने अपनी मिसाल कायम की और रहती दुनिया तक उनकी मिसालें जिंदा रहेगी। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की पुराइश और तईश जिंदगी हमारा मरकज नहीं है, बस हमें सर बुलंदी चाहिए और अजमत और रिफात की बुलंदियों पर चढ़ना चाहते हो तो बस कुरान और हदीस को उसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरह वो है, ना कुछ कमी ना कुछ ज्यादती। सहाबा ने इसी तरीके से किया। देखिए जुमला देखिए, रईना का अलकैतना अलैक फअलकैना निआलना, कि अल्लाह के नबी आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, हमने आपको जिस तरह करते देखा हमने भी उसी तरह कर डाला। अब इसके बाद कोई इमाम की बात, कोई पीर की बात, कोई मुर्शिद की बात, कोई अल्लामा, चाहे वो अल्लामतुद्दहर हो, अल्लामतुज़्ज़मा हो, किसी की बात सही हदीस आ जाने के बाद नहीं मानी जाएगी। इसी बिना पर ये उम्मत इख्तिलाफ और इंतिशार में पड़ी हुई है कि कुरान और हदीस से हटी हुई है। असल जो मग़्ज़ है इसको छोड़कर और सारे खैर के काम कर रहे हैं, सारे खैर के काम कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस नहीं। हर इमाम की बात को सर झुकाकर तस्लीम कर लें, हर पीर की बात को सर झुकाकर तस्लीम कर लें, लेकिन जब सही हदीस आ जाए तो कहें कि नहीं, हमारे इमाम ने इस हदीस को आपसे बेहतर समझा होगा, हमारे पीर ने इस कुरान को आपसे बेहतर समझा होगा। कसम खुदा की ये उम्मत कभी मुत्तहिद नहीं हो सकती, अजमत की बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकती। बस दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम जब तक जिंदा हैं हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस पर ही हमारी मौत हो। बस बस अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद आप सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر